आइए लेख की शुरुआत करें। हाल ही में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 12वां वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल 119 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत ने 3 स्थानों की गिरावट के साथ 100वां स्थान प्राप्त किया। सूचकांक में खराब प्रदर्शन के कारण भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है तथा दक्षिण एशिया की खराब स्थिति का कारण भी भारत को ही माना गया है। अब सवाल उठता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है? इस सूचकांक में किसी देश की रैंकिंग किस पैमाने पर निर्धारित होती है तथा इस सूचकांक में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में कैसी है? इस लेख में हम इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम भारत में भूखमरी के कारणों और उसके प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। अंत में हम भूखमरी की स्थिति से निपटने के भारत सरकार के प्रयासों सहित कुछ सुझावों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है। सामान्यतया भोजन की अनुपलब्धता और आवश्यक कैलोरी युक्त भोजन की कमी को भूखमरी माना जाता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। दो अन्य गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड इस सूचकांक के प्रकाशन में सहयोग देते हैं। इस सूचकांक से देशों को अपने पिछले स्तर को सुधारने और भूखमरी के खिलाफ नए कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। यह सूचकांक वैश्विक, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भूखमरी को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक एक बहुआयामी सांख्यिकीय उपकरण है जो विभिन्न देशों में भूखमरी का मापन करता है। सूचकांक में देशों को 0 से 100 अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 0 अंक सबसे अच्छा और 100 अंक सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में भारत को 31.4 अंकों के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में भूखमरी के 4 मापक आधार हैं, जो अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर हैं। इन 4 मापकों की गणना में 5 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। सूचकांक में शामिल अल्प पोषण एक ऐसी स्थिति का सूचक है जिसमें शरीर को पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती। चाइल्ड स्टंटिंग उम्र के अनुपात में लंबाई की कमी है और चाइल्ड वेस्टिंग उम्र के अनुपात में वजन की कमी। सूचकांक का अंतिम मापक बाल मृत्यु दर है। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में मृत्यु के शिकार बच्चों का अनुपात है। इन मापकों के आधार पर देखें तो वर्ष 2017 में दुनिया की लगभग 1/3 आबादी भूखमरी का शिकार है तथा प्रति 3 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषण से ग्रसित है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1,000,000 मौतें बाल मृत्यु दर के रूप में होती हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में कैसी है। गौरतलब है कि भारत ने एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस सूचकांक के अनुसार अपने पड़ोसी देशों में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही कुछ अंकों से भारत आगे है। जहां सूचकांक में भारत 100वें स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रमशः 106 और 107वें स्थान पर हैं। अन्य पड़ोसी देश जैसे नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका तथा बांग्लादेश क्रमशः 72, 77, 84 और 88वें स्थान के साथ भारत से आगे हैं। यदि म्यांमार से भारत की तुलना की जाए तो म्यांमार ने रोहिंग्या शरणार्थी समस्या होने के बावजूद इस सूचकांक में अच्छा स्थान हासिल किया है। इसी तरह वैश्विक संदर्भ में इराक भी वर्ष 2003 से लगातार संघर्षरत होने के बावजूद 78वें स्थान के साथ संतोषजनक स्थिति में है। सूचकांक में भारत की खराब स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत जिबूती और रवांडा जैसे पिछड़े देशों के साथ 31.4 अंकों की श्रेणी में खड़ा है। हालांकि भारत ने बीते कुछ दशकों में बाल मृत्यु दर में सुधार भी किया है। जहां भारत में बाल मृत्यु दर 1990 के दशक में 12% थी, वहीं इस वर्ष घटकर 4.8% हो गई है। लेकिन पूरी स्थिति को देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत भूखमरी से निजात पाने में पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। अब हम भारत में भूखमरी के कारणों की चर्चा करते हैं। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि भूखमरी के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक है। जनसंख्या की दृष्टि से हम केवल चीन से ही पीछे हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों पर दबाव डाला है, जिससे मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी आई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश आबादी भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था खाद्यान्न में 99% आत्मनिर्भर है, फिर भी बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं होती।
खाद्यान्न के बेहतर उत्पादन के बावजूद उसकी बर्बादी इस विरोधाभास का प्रमुख कारण है। इस संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आंकड़े जारी किए गए जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अनुसार भारत में फसल तैयार होने के बाद खाद्यान्न का 40% बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी में प्रति वर्ष 23 करोड़ टन दाल, 21 करोड़ टन सब्जियां और 12 करोड़ टन फल शामिल हैं। इसका मौद्रिक मूल्य लगभग 92,000 करोड़ है। इसी तरह भंडारण, प्रसंस्करण का अभाव और दोषपूर्ण आवंटन प्रणाली भी भूखमरी की समस्या में वृद्धि कर रही है। जहां भारत में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के अभाव के कारण कोल्ड स्टोरेज निरर्थक साबित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खराब सड़क तंत्र और यातायात साधनों की सीधी पहुंच खेतों तक न होने से प्रसंस्करण प्रक्रिया बाधित होती है। इससे खाद्यान्न की व्यापक बर्बादी और खाद्य स्फीति में वृद्धि होती है। खाद्यान्न की बर्बादी को भारत में बड़े उत्सवों, समारोहों और शादियों में भोजन के नुकसान के रूप में भी किया जाता है। साथ ही जागरूकता के अभाव के कारण लोग बचे हुए भोजन का सही उपयोग नहीं कर पाते। इससे जरूरतमंद अपने निवाले से दूर होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार भी भारत में भूखमरी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसके कारण लक्षित व्यक्तियों तक लाभ नहीं पहुंच पाता और वे भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह अशिक्षा और रोजगार के साधनों का अभाव भूखमरी को बढ़ावा देता है। यदि इस संदर्भ को वर्ष 2011 के साक्षरता के आंकड़ों से समझें, तो हम पाते हैं कि भारत में केवल 74% लोग साक्षर हैं और इसमें भी पुरुष और महिला साक्षरता में 16.6% का अंतराल है। एक महिला जो बच्चे, परिवार और अंततः समाज के सशक्तिकरण का माध्यम है, वही शिक्षा के निम्न स्तर पर है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती और कई गंभीर बीमारियों से जूझती हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के बच्चे प्रसव पूर्व ही कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के साधनों की कमी ने अकुशल और न्यूनतम वेतन वाले श्रमिकों के एक वर्ग को जन्म दिया है, जो मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम है। यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो संपत्ति के संकेंद्रण की प्रवृत्ति से अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ी है। दरअसल धन संकेंद्रण की प्रवृत्ति मानवीय गुण है, लेकिन भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा अनेक अपराधों के बाद अर्जित संपत्ति कहीं न कहीं जरूरतमंदों के निवालों से समझौता करती है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि से शहरीकरण की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। हालांकि इस प्रवृत्ति ने कई नवीन चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसमें आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे अहम हैं। लेकिन भूखमरी, कुपोषण जैसी विकट समस्याएं गौण हो गई हैं। वहीं राजनीतिक रुझान, जो समय तथा परिस्थिति के लाभ के सापेक्ष तीव्रता से बदलता रहता है, अब उनके लिए भी भूखमरी, गरीबी के मुद्दे अप्रासंगिक हो रहे हैं, जबकि आधी से अधिक आबादी इन्हीं समस्याओं से ग्रसित है। इन सभी कारणों के अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और आपदा जैसी समस्याएं भी गरीबी और भूखमरी को बढ़ावा देती हैं। हालांकि यह एक वैश्विक समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब भारत में भूखमरी के प्रभावों की चर्चा करते हैं। दरअसल भूखमरी को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही परिणाम घातक हैं। किसी बच्चे को समय पर आयु के अनुरूप पोषण युक्त भोजन नहीं मिलने से उनमें शक्तिहीनता, बौनापन, कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और अंततः यह बाल मृत्यु को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इस समस्या से भारत में जनता और सरकार दोनों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ते हैं तथा वे अपनी श्रम शक्ति का उचित उपयोग नहीं कर पाते। इसका दीर्घकालिक प्रभाव विकास की मंद गति के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही भूखमरी के टैग से भारत की मेक इन इंडिया जैसी भविष्य की योजनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे नवाचार तथा निवेश दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार भूखमरी से निपटारे के लिए यथोचित कोशिश करे। आइए भारत सरकार के कुछ ऐसे ही प्रयासों को देखते हैं। भारत में भूखमरी की स्थिति को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल शेम कहकर संबोधित किया था। इसी के बाद 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साथ ही इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिड डे मील के तहत रोजाना भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शामिल है। इस योजना का भूखमरी के निपटारे के साथ सामाजिक समरसता में भी अहम योगदान रहा है।
इसी तरह वर्तमान सरकार द्वारा इंद्रधनुष योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, अनिवार्य स्तनपान जागरूकता तथा संपदा स्कीम आदि नवीन योजनाएं चलाई गई हैं। इन योजनाओं के द्वारा सरकार ने भूखमरी, कुपोषण आदि समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है तथा भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की है। हाल ही में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से गरीबी तथा भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बेहतर पोषण जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत नामक योजना भी बनाई गई है। हालांकि सरकार को कुछ अन्य कारगर उपाय करने की भी जरूरत है, जिससे भूखमरी जैसी विकराल समस्या से छुटकारा पाया जा सके। इस संदर्भ में कुछ आवश्यक उपाय इस तरह हैं। प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही से पालन हो तथा पैदावार के बाद खाद्यान्न के उचित भंडारण और प्रसंस्करण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दूर किया जाना चाहिए तथा वितरण केंद्रों का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। खाद्य वितरण केंद्रों पर भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत कार्यवाही और यदि आवश्यक हो तो कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। साथ ही राज्यों में बेहतर कानून व्यवस्था तथा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्षतः वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति खराब है और निसंदेह यह चिंताजनक भी है, किंतु मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। इन प्रयासों से भारत में भूखमरी की स्थिति में सुधार होगा और समावेशी विकास का लक्ष्य भी प्राप्त होगा।